रायपुर से खबर है जहां पर 14 जुलाई को होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे होगी सीएम हाउस में बैठक। शिक्षा कर्मी संविलियन पर मुहर लग सकती है। बैठक में गोबर खरीदी के दाम भी तय किए जाएंगे। कांग्रेस भवनों के लिए जमीन आवंटन पर भी मुहर लग सकती है। तो 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे सीएम हाउस में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा कर्मी संविलियन पर मुहर लग सकती है इस बैठक में। बैठक में गोबर खरीदे के दाम भी तय किए जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस भवनों के लिए जमीन आवंटन पर भी मुहर लग सकती है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे स्टेट एडिटर धनविंद्र जायसवाल जी से। धनविंद्र जी, 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे, अहम मुद्दे होंगे जिन पर मुहर लग सकती है? ये देखिए, दो तीन बड़े मुद्दे हैं कैबिनेट की बैठक के लिए, जिसमें से शिक्षा कर्मियों के संविलियन का मामला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में ऐलान किया था कि 1 जुलाई 2020 से जिन लोगों जो शिक्षा कर्मी बचे हुए उन सबका संविलियन कर दिया जाएगा। इसमें क्राइटेरिया था कि जिन्होंने 2 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली हो। तो ऐसे तमाम लोगों ने 2 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली, जो शिक्षा कर्मी लगभग 16,000 बचे हुए उनके संविलियन का मामला है। इसी तरीके से गोबर खरीदी का फैसला राज्य सरकार ने किया है। 20 जुलाई से यानी हरेली की दिन से गोबर खरीदी शुरू होगी। कैबिनेट सब कमेटी ने 1.5 रुपए का दाम प्रस्तावित किया है। अब कैबिनेट में उस पर विचार किया जाएगा कि 1.5 रुपए का दाम पर्याप्त है या उसको कम ज्यादा किया जाना है। तो उसमें कैबिनेट में लंबी चर्चा होगी और गोबर खरीदी के दाम तय किए जाएंगे। इसके अलावा 12 जिला कांग्रेस कमेटियों के भवन के लिए राज्य सरकार के पास आवेदन आए हैं, तो उन भवनों के लिए जमीन आवंटन का मामला भी कैबिनेट में तय होना है। दरअसल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो होते हैं उनको रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है और इसी प्रावधान के तहत 12 जिलों के आवेदन आ चुके हैं, जबकि 22 जिलों में कांग्रेस ने बनाने का की योजना बनाई। तो इन तमाम जो जिलों में भूमि आवंटन किया जाना है उसका प्रस्ताव आएगा। और इसी तरीके से जो बारिश की समीक्षा की जाएगी, फसल बुआई की समीक्षा की जाएगी और जो दूसरे शिक्षा कर्मियों के भर्ती के मामले को लेकर के भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने के आसार हैं। धनविंदर जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। 11 बजे सीएम हाउस में बैठक का आयोजन किया जाएगा। कई ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिन पर इस बैठक में मुहर लग सकती है।